कदमा थाना क्षेत्र में चार लोगों की हत्या मामले में आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। बता दें, टाटा स्टील फायर कर्मी दीपक ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी। इस वारदात को छिपाने के लिए दीपक ने छोटी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आई शिक्षिका को भी मार डाला। इतना ही नहीं, अपने दोस्त, उसकी पत्नी, साला और एक साल की बच्ची पर भी हमला किया, लेकिन ये चारों किसी तरह बच निकले। तो दीपक का फरार है और आज सुबह 10:30 बजे करीब वो दीपक अपने जो साला के पास से ज्वेलरी वगैरह लेके आया, ये बोल के लेके आया कि कुछ जमीन का उन्होंने मॉर्गेज रख के जमीन का कोई रजिस्ट्री करवाना है। इसी कारण से घर के अंदर दारू का बाटिल भी एक मिला है और जो प्रथम दृष्टि हम लोग को ये लग रहा है कि दीपक के द्वारा ही ये पूरा कांड जो है खारिज किया गया है। करने के बाद करीब 1:30 बजे अपने जो है मोटरसाइकिल से वो यहाँ से बाहर निकलने का हम लोगों का जो है एविडेंस मिला है। पुलिस ने हत्या से पहले शिक्षिका के साथ दुष्कर्म किए जाने की आशंका जताई है।